हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एचमैक की क्या होती है। तो हम लोग ने असिमेट्रिक सिमेट्रिक की के बारे में पढ़ा था। तो सिमेट्रिक की के अंदर ही हम लोग को एचमैक की मिलती है। तो इसका बेसिकली क्या यूज है, तो पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग उसके जो लैब है वो परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडलविस केमिस्ट की ओवरव्यू। सो एडलविस केमिस्ट की इनेबल टू केमिस्ट की एचमैक। एचमैक स्टैंड फॉर होता हैश बेस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में। वो डेटा मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, कोई डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, या कोई सिक्योरिटी टोकन आप भेज रहे हैं, या बहुत क्रूशियल डेटा है आपका। तो एचमैक की बेसिकली क्या करेगा, उस की के साथ ही एक ऑथेंटिकेशन मैसेज कोड जनरेट करेगा जिसे डाइजेस्ट कोड कहते हैं। तो अगर वो मैसेज बीच में जब सेंडर से रिसीवर एंड में जा रहा है, वो मैसेज टेम्पर्ड किया गया है किसी थर्ड पार्टी हैकर के थ्रू या मैन और मिडिल अटैक के थ्रू, तो अगर वो मैसेज जो ओरिजिनल मैसेज है जिसकी हैश की जनरेट की गई है एचमैक की के थ्रू, अगर वो मैसेज रिसीवर एंड पे चेक किया जाएगा, ठीक है, अगर डाइजेस्ट की जो एचमैक की जनरेट हुई है या जो डाइजेस्ट की जनरेट की है वो मैच कर गई, तो मतलब जो आपका डेटा है जो सेंडर के एंड से ट्रैवल हुआ था, वो फ्लो हुआ था, वो डेटा आपका मैनिपुलेट नहीं हुआ है, डेटा आपका टेम्पर्ड नहीं हुआ है। इनकेस अगर किसी ने भी डेटा को टेम्पर्ड किया, मैनिपुलेट किया, तो वो जो हैशमैक की जनरेट हुई है वो वैलिडेट नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मैसेज था वो टेम्पर्ड हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपने मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग एचमैक की का यूज करते हैं, ठीक है। सो एचमैक की आर क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट टू इनकॉर्पोरेट सीक्रेट की मटेरियल विद इन द हैश फंक्शन। तो मैं बताया था कि जैस एचमैक की होता क्या है कि ये हर एक मैसेज के हिसाब से एक यूनिक हैश फंक्शन जनरेट करेगा। उस हैश फंक्शन के थ्रू या उस कोड के थ्रू ही आप वैलिडेट करते हैं कि जो आपकी डेटा था वो टेम्पर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैसेज का ऑथेंटिकेशन हम लोग उस कोड के थ्रू हम लोग वैलिडेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, या कोई आपकी बहुत सेंसिटिव एपीआई रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे बेसिकली हम लोग एचमैक की का यूज करते हैं। सो बेसिकली एचमैक की स्टैंड फॉर होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, और ये एक तरह की सिमेट्रिक होती है, असिमेट्रिक की नहीं होती है। तो सेम की यूज करता है बेसिकली मैसेज को जनरेट करने के लिए और सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। तो कोड को जनरेट करने के लिए उस कोड को जो जो हैश कोड जनरेट हुआ है उसको जनरेट करने के लिए भी सेम की यूज करेगा, प्लस उसको वेरीफिकेशन के लिए भी वो सेम की का ही यूज करेगा। तो ये सिमेट्रिक की टाइप का होता है एचमैक की। बेसिकली ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अगर आप बात करते हैं असिमेट्रिक की में, जहाँ पे आरएसए या ईसीसी आप एल्गोरिथम यूज करते हैं या स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं, उसके भी हाँ पे काफ़ी फास्ट होता है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है। एंड सिक्योर केमेस की, बेसिकली एचमैक की वेरी सिक्योर होता है आपका, ठीक है। तो इसकी की जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। एचमैक की स्टोरेज बेसिकली FIPS 140-2 वैलिडेशन यूज करता है स्टोर करने के लिए अपनी जो की होगी, जिसके थ्रू एचमैक हैश की को जनरेट करेगा या डाइजेस्ट की को जनरेट करेगा या वैलिडेट करेगा, तो उसे स्टोर करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज होता है। और ये एक रीजन स्पेसिफिक होती है, जिस रीजन में आपने बनाया उस रीजन में ही वो एक्सेस होगी, अदर रीजन के लिए बेसिकली वो वर्क नहीं करती है। तो ये एक कह सकते हैं रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। एचमैक की का फंक्शनैलिटी क्या है, बेसिकली दो फंक्शनैलिटी इसके लिए होती है, मैसेज इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है। जैसे मैं बताया कि मैसेज जो आपका है वो टेम्पर्ड ना हो, उसलिए ये बेसिकली यूज किया जाता है मैसेज इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए। और मैसेज डाइजेस्ट, तो एक डाइजेस्ट मैसेज जनरेट करता है, मैं बताया आपको जो जो भी डेटा होगा उसको वैलिडेट करने के लिए एक यूनिक उस डेटा के हिसाब से एक यूनिक डाइजेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बिहाफ में ही आपका जो डेटा होगा वो चेक वैलिडेट हो पाएगा कि आपका डेटा टेम्पर्ड हुआ है या ओरिजिनल डेटा है आपका, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, मैसेज की इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए, मैसेज डाइजेस्ट के लिए, इसका बेसिकली यही काम है।
आप डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं कर सकते इससे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसका बेसिकली काम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए नहीं होता है, इसका काम होता है डेटा का इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी मीन्स क्या होती है, मॉडिफाई द डेटा विल लीड टू एचमैक ऑथेंटिकेशन फेलियर। इंटीग्रिटी में जो डेटा आपका अगर किसी ने टेम्पर्ड किया तो एचमैक की का ऑथेंटिकेशन फेलियर हो जाएगा, जब वैलिडेट करेंगे डेटा को तो वो फेलियर हो जाएगा, मतलब आपका डेटा टेम्पर्ड किया गया है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है कि जो एक की है, मैंने बताया था कि जो एचमैक की होती है वो सिमेट्रिक की होती है, तो इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफिक सीक्रेट की मटेरियल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। तो वही की बेसिकली आउटपुट को जनरेट करेगी और वही की आपको वैलिडेट करेगी, तो इससे आपका ऑथेंटिसिटी बेसिकली यूज होता है और इंटीग्रिटी यूज होता है। लिमिटेशन क्या है इसकी, अगर लिमिटेशन बात करते हैं तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज में नहीं होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। एचमैक की का यूज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए नहीं होता है, इसका यूज होता है मैसेज की ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। ठीक है, की रोटेशन, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका की रोटेशन नहीं होता है, आप इस की को रोटेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको AWS मैनेज करेगा। ठीक है, हाँ अगर आपने खुद की ओन की अगर इम्पोर्ट की है एचमैक की के अंदर तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे फर्दर लैब में कि कैसे आप अपनी खुद की इंपोर्ट अपनी की को इंपोर्ट कर सकते हैं। लिमिट क्या है कि अगर आपका मैसेज का साइज, अगर आपने जब एचमैक की बनाया उसमें आपने सा एल्गोरिथम को यूज़ किया है या सा क्रिप्टोग्राफी स्पेसिफिकेशन का यूज़ किया है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि आपको जो मैसेज होता है जो या फाइल है जिसको आप जिसका आप हैश की जनरेट कर रहे हैं, वो साइज उसकी फाइल का साइज 4096 बिट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है फाइल साइज। यूजेस इंटर स्टैंडर्ड कॉमन इंटरनेट यूजेस क्या होता है, बेसिकली आप जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आती है वो JWT टोकन के रूप में आती है, जैसे कहते हैं जेसन वेब टोकन। तो जहाँ पे जेसन वेब टोकन यूज में हो रहा है जिसके थ्रू आपका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है आपकी सोर्स टू सर्वर टू क्लाइंट, यू कैन से जैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, कोई बहुत सीक्रेट API है जहाँ पे JWT टोकन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एचमैक की का यूज लगा सकते हैं डेटा की इंटीग्रिटी एंड दैट ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, वर्सटाइलिटी क्या है, प्रीफर्ड चॉइस फॉर सिक्योरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन वेरियस एप्लीकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में इसका यूज होता है तो उस केस में हम लोग इनका यूज करते हैं। तो जिस जहाँ भी कंपनी में आपका फाइनेंशियली डेटा ट्रेवल हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीक्रेट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डेटा ट्रेवल हो रहा है, वहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए बेसिकली एचमैक की का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसकी लैब हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे तो डीप डाइव करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हाँ अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ कॉन्सेप्ट में अभी आपका कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।